दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हम वॉइस ओवर के लिए एआई टूल ढूंढते हैं, वीडियो क्रिएट करने के लिए एआई टूल ढूंढते हैं, या फिर इमेज जनरेशन करने के लिए, और कई बार इसी ढूंढने के प्रोसेस में हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एआई वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसके हेल्प से एक क्लिक में आपको कोई सा भी एआई टूल का नीड हो वो आपके सामने होगा। तो इस एआई वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में ऐड कर दिया, आप लोग वहां से जाके एक्सेस ले सकते हो। और देखो मैं बिल्कुल फ्री माइंड में बात करता हूं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रांड प्रमोशन वाले वीडियो ना बिल्कुल बेकार होते हैं, उनके किसी काम का नहीं है, है ना। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो जिसने छोड़ा ना वो बहुत पछताएगा आगे जाकर। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा, और अगर आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होता ना तो कमेंट में आके आप मुझे जो बोलना है वो बोल सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ गूगल पे, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा टूलिफाई एआई। तो आप लोग जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको सबसे टॉप वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। देखो मैं इसे पीसी पे दिखा रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छा हो और आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे सब कुछ, ठीक है। आप चाहो तो इसे फोन पे भी ओपन कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा, इसके लिए आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और कोई सा भी ईमेल आईडी यूज करके साइन अप कर लोगे। तो मैं यहाँ पे साइन अप कर चुका हूँ। अब मैं एक एक करके इसके सभी फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले नीचे आपको जितने भी ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी एआई टूल है, ठीक है, और इन्हें आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको यूज करना है। देखो यहाँ ऊपर आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जितने भी ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी फीचर है, इस वाले वेबसाइट का फीचर है। अब इनका यूज मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पे देखो कैटेगरी एंड रैंकिंग, यहाँ पे टॉप एआई बाय मंथली, टॉप एआई बाय कैटेगरीज, तो कैटेगरीज वाई भी एआई टूल्स यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, इस वर्ल्ड में जितने भी एआई टूल है अगर वो मछली है ना, तो ये जो वेबसाइट है ये पूरा का पूरा समुन्दर है, और इसी के अंदर आपको सभी के सभी मछली मिल जाएंगे, ऐसा समझो। यहाँ पे टोटल 19,242 है, वो भी 233 कैटेगरीज में, समझ रहे हो। अब यहाँ से अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे टेक्स्ट एंड राइटिंग लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे इमेज भी है, साथ में यहाँ पे वीडियो भी है, वॉइस भी, और बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसा समझो अगर हमें देखो इमेज क्रिएट करना है ना, तो हमें कौन सा एआई टूल का यूज करना होगा, वीडियो क्रिएट करने के लिए कौन सा एआई टूल हम यूज करेंगे, वो सभी के सभी एआई टूल आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से मोर पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि एआई टूल्स को कितने अच्छी तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जिससे हम बहुत इजिली अपने एआई टूल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट एंड राइटिंग आपको दिख रहा है, अगर मैं इधर पे क्लिक करूँ, AI ब्लॉग राइटर के लिए टोटल 358 AI है, हैंड राइटिंग के लिए 32 है, एसए राइटर के लिए 196 AI टूल है, देख रहे हो। तो अगर मुझे स्टोरी वगैरह लिखना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 298 AI टूल है। तो स्टोरी में मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये जितने भी AI टूल है ना, इन सभी के यूज से आप स्टोरी वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो वीडियो टू वर्ड्स AI, और भी बहुत सारे AI टूल है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ बनाना है, मान लो आपको इमेज से रिलेटेड बनाना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो टेक्स्ट टू इमेज है ना, 532 AI टूल है इसके अंडर में। अगर मैं इधर पे क्लिक करूँ, आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसे AI टूल देखोगे जिनको मैंने पहले भी सिखाया है, जैसे कि लियोनार्डो AI, इसके बारे में पहले भी मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब मान लो मुझे इसे यूज करना है, तो मैं यहाँ पे सेंटर पे इस पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अगर आपको लियोनार्डो AI का वेबसाइट को ओपन करना है तो आप विजिट वेबसाइट पे क्लिक करोगे और इस वेबसाइट पे जाकर आप फोटो एडिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आगे आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, अभी के लिए बस इतना देख लो कि यहाँ पे हम साइन अप करेंगे, देन यहाँ से हम अपना काम कर सकते हैं लियोनार्डो AI पे। तो अभी के लिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और बाकी जो इमेज जनरेट करने वाले AI टूल्स है उन्हें भी देख लेते। ये तो लियोनार्डो AI हो गया, यहाँ पे गेट इमेज AI, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने इसी AI टूल को इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने, इमेज वगैरह बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अनगिनत आपको AI टूल मिल जाएंगे जिनके यूज से आप बैकग्राउंड या फिर थंबनेल वगैरह बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। वो आप लोग एक एक करके देख लेना, क्योंकि मैं एक वीडियो में इतने सारे चीजों को कवर नहीं कर सकता, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं बैक जाता हूं और आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर आपको वीडियो क्रिएट करना है AI के हेल्प से, वीडियो क्रिएट करना है तो आपको यहां से वीडियो पे जाना है। तो आप यहां पे देखोगे यहां पे कितने सारे AI टूल है वीडियो क्रिएट करने के लिए। AI एनिमेटेड वीडियो के लिए 144 टूल है, इमेज टू वीडियो है, AI वीडियो एडिटर है। तो AI एनिमेटेड वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने काफी सारे AI टूल ओपन होके आ जाएंगे, जैसे कि एनिमेकर AI, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे यहाँ पे डोमो AI, ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था बीच में, है ना। देखो जो लोग AI से जुड़े हुए हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिन लोगों को AI वेबसाइट या फिर AI टूल का नॉलेज नहीं है आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा
होगा कि एआई के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी वगैरह कलेक्ट कर लो, समझ रहे हो। ये सोरा वीडियोस देख रहे हो, ये भी काफी फेमस एआई टूल है। सोरा जो है ना, जब आया था मार्केट हिल चुका था पूरी तरीके से। तो यहाँ पे एआई वीडियो क्रिएट करने के लिए भी काफी सारे टूल्स है, ठीक है। इसके बाद मुझे वॉइस ओवर के लिए अगर कोई एआई टूल का यूज करना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच है, एआई वॉइस क्लोनिंग है, बहुत सारे वॉइस ओवर के लिए एआई टूल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे टॉप में देखो एलिवन लैब बैठा हुआ है, देख रहे हो। अब एलिवन लैब के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया है और कुछ दिन पहले ही मैंने वॉइस ओवर के लिए और एक एआई टूल को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। कोई बंदा कमेंट कर रहा था डुब डुब वॉइस जनरेटर, तो ये भी एआई टूल जो है यहीं पे है, आप लोग यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये सब वॉइस जनरेट करने के लिए है, ठीक है। अब प्लीज यार ये मत पूछना कि इनके यूज से चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने कई बार इस चीज के बारे में आप लोगों को बताया है कि हर एक चीज को यूज करने का अपना एक तरीका होता है। आप चाहे एआई वॉइस यूज करो, इमेज यूज करो या फिर वीडियो यूज करो, उसका एक तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो डेफिनेटली मोनेटाइज होगा। और अगर मोनेटाइज नहीं होता ना, आप खुद सोचो ना, ये जो एआई वेबसाइट या फिर एआई टूल है ये किस लिए बना हुआ है? ये तो कोई रेस्टोरेंट का डिश नहीं है, ये हमारे लिए ही बना है ताकि हम इसे यूज कर सके। सारी बातें एक तरफ, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे चैटबॉट पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे एआई गर्लफ्रेंड भी मिल रहा है, वो भी 119। और जैसे ही मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में तो बताना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे एआई टूल है जिनसे आप मतलब गर्लफ्रेंड भी बना सकते हो। और लिटरली मतलब लोग इसका यूज करते हैं। अब तुम में से जो भी अपने शक्तियों का संपूर्ण इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो इस वेबसाइट पे आ जाना, बस यहाँ पे तुम्हें एआई गर्लफ्रेंड भी मिल जाएंगे। और बाकी आगे तुम्हें क्या करना है वो तुम देख लो, ठीक है। बाकी मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एआई टूल है जिससे तुम गर्लफ्रेंड भी बना सकते हो। तो मेरे सिंगल भाइयों, एक बात सच बताना, तुम्हें तो मजा आया होगा, तो इसी बात पे लाइक कर दो यार। तो दोस्तों मजाक एक तरफ, अब हम कुछ और फीचर्स को भी देखेंगे। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, न्यू एआई पे क्लिक करूंगा, तो आपके सामने जितने भी न्यू एआई लॉन्च हुआ ना, वो सबका सब एआई आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी एआई टूल देख रहे हो, ये सभी के सभी एआई टूल न्यू है अभी मार्केट में। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, जैसे एसईओ एआई, इसका यूज आप लोग करना है, ठीक है, अपने वीडियोस के लिए। सेम इसी तरीके से मोस्ट सेव्ड एआई, मतलब कि कौन सा एआई टूल है जिसे लोग सबसे ज्यादा सेव कर रहे हैं, देख रहे हो। रिमूव बीजी भी है यहाँ पे, सोरा भी है, तो बहुत सारे एआई टूल है यहाँ पे जो लोग सबसे ज्यादा सेव करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे मोस्ट यूज्ड एआई भी है, जो कौन सा एआई है जिसे लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और जैसा कि मुझे लगा ही था कि चैट जीपीटी टॉप पे होगा, ओपन एआई, सोरा एआई, देख रहे हो सोरा एआई थर्ड पे बैठा हुआ है। यहाँ पे एडोबी जो है ये देख रहे हो, ये 6 नंबर पे बैठा है। और यहाँ पे जेमिनी जो है गूगल का प्रोडक्ट है, ये 7 नंबर में बैठा है। इसी तरीके से आप एआई ऐप को भी यूज कर सकते हो। आपको अगर किसी एआई ऐप के बारे में नहीं पता तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एआई से रिलेटेड ऐप भी मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली एसईओ वाला जो एआई ऐप है ना, इसे डाउनलोड करके अपने वीडियो में एसईओ कर लेना, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम एआई के रैंकिंग देखेंगे। इसके लिए हम रैंकिंग पे क्लिक करेंगे और टॉप एआई बाय कैटेगरीज पे हम जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ऑल कैटेगरीज में चैट जीपीटी टॉप पे बैठा है। टेक्स्ट एंड राइटिंग पे भी देख लेते हैं। टेक्स्ट एंड राइटिंग पे भी आप देख सकते हो जेमिनी, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, ये भी टॉप पे बैठा है। तो यहाँ से आप इमेज हो या फिर वीडियो हो या फिर वॉइस ओवर हो, कौन सा एआई टूल सबसे ज्यादा यूज होता है, कौन सा एआई टूल टॉप पे रैंक कर रहा है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर रिमूव बीजी भी था, जो हम पहले यूज करते थे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। लियोनार्डो एआई देखो 10 नंबर पे बैठा है। तो एक बार वीडियो पे भी क्लिक करके देखते हैं कौन सा एआई टॉप पे है। तो जैसा कि मुझे लगा ही था, सोरा एआई टॉप पे बैठा हुआ है। अब सोरा एआई आने के बाद बहुत लोग डर भी गए थे, ठीक है ना। और ऐसा क्यों हुआ था वो आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, सोरा एआई किस लेवल का वीडियो क्रिएट करता है। इसके बाद अगर आप लोग रीजन वाइज देखना चाहते हो कि हमारे इंडिया में कौन सा एआई टॉप पे बैठा हुआ है, तो इंडिया पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख पाएंगे ओपन एआई टॉप पे है और रिमूव बीजी सेकंड पोजीशन पे है ना। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान का देखना चाहे तो पाकिस्तान का भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर आपको रिक्वेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका कोई सा भी Q&A होगा ना इस एआई टूल से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करोगे तो आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको लियोनार्डो एआई को इसी वेबसाइट से ओपन करके दिखाता हूँ और उसे यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट टू इमेज पे क्लिक करूंगा, नीचे मुझे लियोनार्डो एआई मिल जाएगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद ओपन साइट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से साइन अप कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं गूगल पे क्लिक करूंगा, अपना कोई सा जीमेल आईडी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और साइन अप कर लूंगा। तो ये लियोनार्डो एआई ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम अपना यूजर नेम देंगे, आप अपने हिसाब से यूजर नेम दे देना, व्हाट आर योर इंटरेस्ट अपने हिसाब से दे देना, आपको कौन से चीज पे इंटरेस्ट है, ठीक है ना। देन यहाँ से बाकी सारी चीजों को अलाउ करने के बाद आप नेक्स्ट कर देना, तो आपका जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से रोल ऑफ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डिजिटल आर्ट लिख देता हूँ एंड डन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ सर्विस क्लिक करना है, देन आपके सामने ये वाला जो एआई वेबसाइट है ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो
इमेज जनरेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, देन इमेज आप जनरेट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको इस एआई वेबसाइट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है,